रहे हैं। मेहंदी लगाने के लिए मैंने बुलाया था अपनी छोटी बहन को, और देख सकते हैं उन्हें बहुत अच्छी मेहंदी लगाई थी। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी, क्योंकि ना गाइस अगर मैं खुद लगाती तो एक ही हाथ में लगा पाती और दूसरे हाथ में ऐसे ही लगा पाती, तो इस वजह से मैंने अपनी छोटी बहन को बुला लिया था। तो मेहंदी लगाने के लिए वो आ गई थी। बाकी का देख सकते हैं यहाँ पर मेरी ना मेहंदी लग के अभी तैयार हो गई है, कल करवा चौथ है। तो अब मिलते हैं हम सीधे आपको। दिन की शुरुआत हो गई है अभी मॉर्निंग के 5 बजे से और सुबह से, और ना सुबह सुबह मैं आई हुई हूँ छत में, क्योंकि गाइस ना आज करवा चौथ है और करवा चौथ के दिन में मैं ना आज जल्दी बहुत जल्दी उठ गई थी। तो मैं अभी छत में आई हुई हूँ, देख सकते हैं अभी छत का कुछ नज़ारा ऐसा दिख रहा है। और अभी ना मुझे खाना पीना भी बनाना है, और आज मिस्त्री भैया भी आने वाले हैं, तो आज के दिन ही उनको आना था, तो आज बहुत ज़्यादा काम है। तो अभी थोड़ी देर में मिलते हैं आपको काम करने के बाद। अभी मैं मिल रही हूँ आपको सीधा तैयार होने के बाद। तो कैसे लग रही हूँ मैं? आज मैंने मंदिर सजाया हुआ है कुछ इस प्रकार से, देख सकते हैं कैसा लग रहा है माता कर्मा का आसन, और यहाँ पे मैंने पूजा भी कर ली है। हेलो एवरीवन, मैं हूँ अनुराधा और स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल अनुराधा राणा ऑफिशियल में। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्ते, राम राम और सत श्री अकाल, छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। तो गाइज कैसे हैं आप सब? हो कि आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। सो गाइज आज है करवा चौथ, और आप सभी जो सुहागन औरतें हैं जो मेरा ब्लॉग देख रही हैं उन सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गाइज आज करवा चौथ है और मैंने भी करवा चौथ का व्रत रखा हुआ है। ये जो व्रत होता है ना, वो अपने पति की आयु लंबी होने के लिए जो सुहागन औरतें हैं वो इस व्रत को रखती हैं। तो मैंने भी रखा हुआ है करवा चौथ का व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए। बाकी का ना करवा चौथ में मैं माता जी से यही वर मांगूंगी कि मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे जो जीवन साथी हैं, जब तक हम हैं तब तक हम दोनों का साथ बरकरार रहे, हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहें। ब्लॉग की शुरुआत ना मैं बहुत ही ज़्यादा लेट कर रही हूँ, क्योंकि ना घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। घर में जो किचन है ना, किचन में टाइलें वगैरह लग रही हैं, तो उस वजह से ना घर में बहुत ही ज़्यादा काम था, साथ में व्रत भी रखना था, पूजा पाठ हो ही जाता है। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। आज का मेरा लुक कुछ ऐसा है। आज मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देख सकते हैं मैं पंजाबी सूट मैंने वियर कर रखा है, और ये मेरा लुक है, सिंपल सादा ही लुक है। और तो गाइज मैं आपको दिखाऊंगी अभी थोड़ी देर में आपको मेकअप का सामान क्या क्या लेकर आए हैं। ये मेरी छत है और मैं अपनी छत में हूँ। किराया लेते हो? नहीं लेते हो? खा लो खाना, बता दो आज इनका भी व्रत है। तो व्रत रखा है क्या? अरे क्यों व्रत रखने लगा? अरे क्या व्रत रखे हैं? आज इन्होंने भी व्रत रखा, खाना नहीं खा रहे बहन को स्कूल से आने में टाइम है, तब तक हम नीचे जाकर अपनी करवा चौथ की शॉपिंग की खरीदारी देख लेते हैं। और मिस्त्री भैया लगे हुए हैं, तो देख लेते हैं कि वो भी क्या काम कर रहे हैं, अभी काम कितना हो गया। आते ही मैंने देखा कि नीचे टाइल कट रही थी और इतनी ज़्यादा धूल है ना कि किचन में धूल ही धूल, घर में धूल ही धूल हुआ पड़ा है। और ये देख सकते हैं मेरा किचन ऐसा दिख रहा है। और अभी ये पत्थर जो है ना, पत्थर को फिक्स करने वाले हैं अभी, तो यहाँ पे कटिंग कर रहे हैं पत्थर की। और यहाँ पे मैं कमरे में आ चुकी हूँ, तो देखिए गाइस यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल हो रखी है। हस्बैंड जी वहाँ पे खड़े हुए हैं और भैया लोगों ने यहाँ पे अभी टाइल्स को चिपका, टाइल्स नहीं है पत्थर लगा रहे हैं हम, पत्थर काला वाला, तो इसको हमने अभी चिपका, ये भैया लोग चिपका रहे हैं। तो सेट नहीं आ रहा था, तो अभी देखते हैं कैसे सेट आता है, कैसे फिट होता है, तो बुनने के बाद ही देखेंगे। अब मेरी ड्रेस जिसे मैं रात में पहनने वाली हूँ, बाकी का जो पूरी शॉपिंग है आप देख सकते हैं, ये जितनी भी शॉपिंग है ना मेरे हस्बैंड जी ने की है, और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे हस्बैंड जी ने मेरे लिए इतनी सारी शॉपिंग की। मैंने ना बहुत ही गिने चुने सामान ही उसमें लिखे हुए थे पर्चे में, बाकी का इतना ज़्यादा सामान देखे तो मेरे भोस ही उड़ गए। मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि इतने ज़्यादा सामान लेकर आए, कैसे लेकर आ गए, अपने मन से इतना ज़्यादा सामान लेकर आ गए। और ये सूट जो है ना, मैंने इसको पहले से स्टिच करके रखा हुआ था, और साथ में करवा भी लेकर आए हैं और न्यू थाली भी लेकर आए हैं। कैसी लग रही है आपको शॉपिंग वीडियो? मैंने अलग से नहीं बनाई है, तो यही बीच में ही आपको दिखा दे रही हूँ, पूरी शॉपिंग वीडियो है, इसमें ये सामान मेरे हस्बैंड जी लेकर आए हैं, तो मुझे तो
देख लीजिए काम करते करते कैसे लेट गई है, थक गई बेचारी। अभी मेरी तैयारी हो गई है पूरी बनाने की, तो क्या कहते हैं सब्जी हलवा और क्या कहते हैं सब्जी आलू की मैंने बना दी है, और अभी मैं पूरी बना रही हूँ। यहाँ पे मेरा साग बना हुआ है, बाकी का चावल जो रहेगा वो थोड़ी देर में बनाऊंगी। और बहुत ही ज्यादा मैं थक गई हूँ आज अकेले करते करते, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और अभी तो तैयार होना है, वो तैयार होंगी मैं तो अभी वीडियो बनाऊंगी, और अभी तो पूजा करना भी बाकी है। तो गाइस बने रहिए ब्लॉग में। अब ये देखो मैं पूरी बना रही हूँ। गाइस देख सकते हैं अभी मैं तैयार हो गई हूँ। ये जो मेरा सूट है मैंने आज सूट वियर कर रखा है। दुपट्टा है मैंने ऐसे डाला हुआ है, और अभी हम करवा चौथ का व्रत रखा है, तो अभी रात हो गई है, तो रात की तैयारी हो गई है। मैं तैयार हो गई हूँ, हस्बैंड जी मेरे आने वाले हैं, हो गए हैं, बस हस्बैंड जी आएंगे तो वही पैंट शर्ट पहनेंगे, बाकी का चंदा मामा का इंतजार है। और यहाँ पे मैंने अपनी थाली भी सजा ली है, इसमें फ्रूट्स रखने बाकी हैं वो मैं रख लूँगी। तो ये जो मेरी थाली है देख सकते हैं, इसमें मैं अपने हस्बैंड जी को देखूँगी ऐसे। चंदा मामा मेरे पति की उम्र खूब दीर्घायु हो, हमारे साथ हमेशा एक साथ रहे। जो हाथ लगाओ जाके वहां चांद को अर्घ दे रहे हैं। यहाँ से अच्छा आ रहा है। गुटक गुटक सब पी जा। जल्दी लिखवा। पानी पीने के बाद डाल रही पहले सिंदूर। अच्छा चांद आए ना आए क्या?
सर की फोटो खींचा।